चुनाव है, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, बस सीधी सी बात। तो बीजेपी को तो अच्छा बुरा कैसे नहीं जानते? बुरा नहीं, हम लोग बस मोदी को जानते हैं, उसको देख के वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कौन है उम्मीदवार? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल उम्मीदवार नहीं जान रहे और भारतीय जनता पार्टी? नवीन जायसवाल। हजारीबाग के सांसद प्रत्याशी नवीन जायसवाल। 400 पार नहीं, 800 पार, बीजेपी जिंदाबाद। आजादी कैसे 800 होगा? 800 पार। 800 कैसे? 800 तो है ही नहीं, तो 800 कहां से? 800 अबरी बेहतर, 800 अबरी हो, अबरी 800 बेहतर। झारखंड का जैसे सुनते हैं कि झारखंड बहुत खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन उस तरह से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा। झारखंड का विकास नहीं हुआ तो झारखंड के आभारे हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उनसे जाके सवाल पूछे हमारा। उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं कि मिल रहा है, हो सकता है एकदम। अच्छा आप लोग को मिलता है यहाँ? यहाँ क्या कर रहा है? अरे तो आप लोग प्रूफ दीजिएगा तब ना। मुद्रा योजना जिसको लाभ लोन लेना है वो लिया, अपना काम कर रहा है। आप लोग लिए हैं कोई? मुद्रा योजना से क्या जरूरत है इन लोग को? जिसको चलता है तो कहे ले। तो आगे नया नया आदमी भी चुनाव लड़ रहा है इधर। नया 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 से हमको मतलब वो सब सब जाति वाला नेता है, दो जात को जमा करता है, दो पौवा पैंती का जमाना है, पिला देता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वो नेता बन गया। उस सब नेता से हम लोग को लेना देना नहीं रखते हैं, हम लोग हित से बात करते हैं। जो सेंट्रल का केंद्र चुनाव माने पार्टी है उसके संबंध में बात करते हैं, इन लोग से हमें लेना देना नहीं। अभी कोई पटेल को नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग का देश का रखवाला, देश के सुरक्षा प्रदान करने वाला। नमस्कार जोहार, अभी हमें हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में देख सकते हैं, सामने हमारे यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र कुछ ही दूर में है, सामने ही लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में गिरिडीह लोकसभा है। यानी कि सोच समझ सकते हैं कि हम लोग हजारीबाग लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा के बीचों बीच में यानी कि सेंटर पॉइंट में है। चुनाव का माहौल है, हजारीबाग लोकसभा में 20 मई को चुनाव है, गिरिडीह लोकसभा में 25 मई को चुनाव है। तो आज हम लोग जानेंगे कि आज हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र कहीं गिरिडीह को टच कर रहा है और गिरिडीह में माहौल दूसरा है, तो हजारीबाग क्षेत्र में माहौल किस प्रकार का है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे ही जानेंगे, इनसे ही बात करेंगे। दादो की नाम बोलो? हेमलाल सिंह। क्या माहौल है अभी इधर चुनाव का? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कौन है उम्मीदवार? पवन जायसवाल। पवन जायसवाल उम्मीदवार नहीं जान रहे और भारतीय जनता पार्टी? नवीन जायसवाल। हजारीबाग का सांसद प्रत्याशी नवीन जायसवाल? मनीष जायसवाल। अच्छा मनीष जायसवाल, क्या लगता है इस बार जीतेंगे वो? एकदम जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। क्या मतलब क्या मनीष जायसवाल का आप 5 को काम हमें गिना दीजिए। ये तो नया अभी उठा है मनीष जायसवाल नया? हाँ। अच्छा वो सांसद है, पता है आपको? नहीं है तो क्या बनेगा ना अभी? अभी बनेगा। हाँ। वोट दे रहे हैं आप लोग? हाँ। तो आप लोग मोदी को वोट दे रहे हैं कि मोदी के? मोदी को वोट दे रहे हैं। हाँ। मोदी का 5 को काम हमें बताइए तो, अच्छा जो आपको लगता है। मोदी काम बहुत किया है क्या? तो 5 को हम गिनाने बोल रहे, बहुत किया है, 1,500 किया होगा, 5 को हमको गिना। मंदिर बनाया, 370 धारा तोड़ा, जाके कितने मंदिर बनाया। राम मंदिर आप गए? नहीं गए लेकिन सुने तो हैं। तो राम मंदिर बनाया तो आपको क्या फायदा मिल रहा है? हम लोग को हिंदू को लाज रख दिया, बस हिंदू का लाज रख दिया। यहाँ तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल क्या है क्या नहीं है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं से कहा कि चुनाव का माहौल है, चौक चौराहे में लोग हमें मिलते हैं। बैठिए बैठिए। दादू जोहार। जोहार जोहार जोहार। क्या खबर है? क्या खबर है? अभी लोकसभा का चुनाव का खबर है। अच्छा तो चुनाव का माहौल कैसा है आप लोग के? एकदम बढ़िया है, कैसा रहेगा? किसका चल रहा है अभी? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी फूल छाप को वोट देने वाला आदमी है। फूल छाप को? कौन है उम्मीदवार आपके इधर? मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल, क्या लगता है इस बार जो जेपी पटेल हैं और उनके साथ? हम लोग जेपी फेपी कोई पटेल को नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग का देश का रखवाला, देश के सुरक्षा प्रदान करने वाला, देश के आदमियों के सुख दुख का जो भागीदार है उसी को हम लोग जानते हैं, बाकी किसी को नहीं। अच्छा कोरोना काल में बचाया है तो मोदी बचाया है। देश के मुद्दे के साथ आप लोग वोट कर रहे हैं कि राज्य के मुद्दे के साथ? देश के मुद्दे के साथ, राज्य के मुद्दे में कहा राज्य का, सेंट्रल का वोट करें, राज्य का वोट तो ये नहीं रहा, देश का मुद्दा है। जो वैक्सीन मिला था उसके कारण मोदी जी को केस भी किया जा सकता है, पता है आपको? अच्छा अच्छा मोदी जी का 5 को काम, बढ़िया बढ़िया काम हमें गिना दीजिए। मोदी जी का 5 को काम बचा तो आदमी, पहला तो भैया सुनिए सुनिए बात करिए। अन्न योजना जो अभी 5 किलो प्रत्येक महीना फ्री में हर जनता को दिया जा रहा है, ठीक है, पहला काम ठीक है। हमारे देश में रोड का
अब देख रहे चौमुखी विकास, इसका अच्छा। तो कोई कहने का बात नहीं। जनधन मुद्रा योजना कितना आदमी को लाभ मिला इससे? जितना आदमी को हम उसका खबर ही नहीं आपको मिल रहा है आपको, हमको उसका जरूरत नहीं है। जो इसका जरूरत है वो लिया, उसे फायदा उठा रहा है। आप लोग मीडिया वाला है तो आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं कि मिल रहा है, हो सकता है एकदम। अच्छा आप लोग को मिलता है यहाँ क्या कर रहा है? अरे तो आप लोग प्रूफ दीजिएगा तब ना। कौन सी नहीं मिला? मुद्रा योजना जिसको लाभ लोन लेना है वो लिया, अपना काम कर रहा है। आप लोग लिए हैं कोई? मुद्रा योजना से क्या जरूरत है इन लोग को? जिसको चलता है तो कहे ले। हाँ तो आगे बोलिए। और आ रहे हो कि नहीं? क्या काम है सर? बोले पहला सवाल। अच्छा आपको क्या काम है सो पहले बोलिए तो। सुनिए आपको क्या काम है आप बताइए तो पहले। हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपका क्षेत्र में चुनाव है। चुनाव है, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे बस सीधी सी बात। तो बीजेपी को तो अच्छा बुरा कैसे नहीं जानते? बुरा नहीं, हम लोग बस मोदी को जानते हैं, उसको देख के वोट देंगे। बहाने कहता हूँ। अच्छा मोदी को वोट दीजिएगा तो कोई रहा कैंडिडेट कोई रहे कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, मोदी है। मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है यही ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का ये चौक था, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हमें मिले हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग स्थानीय मुद्दे के साथ नहीं, केंद्र के मुद्दे के साथ वोट करेंगे और इस बार ये लोग मोदी को वोट करेंगे। कुछ हाँ बोलिए। एक बात बताते हैं, ये चुनाव जो है देश के लिए चुनाव है। मेरा देश का रखवाला यदि मजबूत नहीं होगा, मेरा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? कल दिन आके पाकिस्तान हमारे घुस घर में घुस के बम चला देता था ना। हो पाकिस्तान से अभी मोदी जी बचाए सबको, सबको बचाए हैं। लीजिए मैं बोलिए तो का किस मुद्दा में आप जनता से चर्चा? आप देश का चुनाव है तो देश के मुद्दे में ना बात कीजिएगा, हमारा जंगल झाड़ी के मुद्दे में बात कीजिएगा। नहीं तो मतलब झारखंड का जैसे सुनते हैं कि झारखंड बहुत खनिज संपदा वाला राज्य है, लेकिन उस तरह से झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा। झारखंड का विकास नहीं हुआ तो झारखंड के आभारे हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान उनसे जाके सवाल पूछे ना महाराज। उसके बाद वो काहे ले जेल गया? सही बात, जेल गया और कोई दूसरा नहीं गया, वो काहे गया? आपके वो तो विपक्ष के आदमी कहते हैं कि बीजेपी नहीं सकता है तो उन लोग को जेल घुसा देता है, आपको नहीं घुसा देता है। नहीं तो विपक्ष वाला बोल रहा है, वो अन्य से क्या होगा? विपक्ष वाला तो कह देगा कि अभी तो चल रहा है तो हम भी रहा। अभी विपक्ष वाला कह देगा 34 करोड़ रुपया निकला है थी जगह से 35 करोड़ हां। तो कांग्रेस कितना दूध का धोबल है? वो पैसा कहां से आया बताइए? उससे पूछिए जाके उन लोग से कि 35 करोड़ रुपया कहां से आया, पूछिए ना जाके। सुन रहे एक दो नया आदमी भी चुनाव लड़ रहा है इधर। नया से हमको मतलब वो सब जाति वाला नेता है, दो जात को जमा करता है, दो पौवा पैंती का जमाना है, पिला देता है, जिंदाबाद वो नेता बन गया। उस सब नेता से हम लोग को लेना देना नहीं रखते हैं, हम लोग हित से बात करते हैं। जो सेंट्रल का केंद्र चुनाव माने पार्टी है उसके संबंध में बात करते हैं, इन लोग से हमें लेना देना नहीं। और भी लोग हैं बात करेंगे, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार उपाध्याय। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? सब ठीक है। ठीक है, चुनाव आ रहा है, कब है चुनाव आपके इधर? 20 तारीख। मन बनाए हैं कि बना रहे हैं अभी? मन बनाए नहीं, मन बनाएंगे। अच्छा तो यहाँ पे देख सकते हैं तमाम लोग जो कह रहे हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं, जो नारा लगा रहे हैं इन लोग से भी थोड़ा जानते हैं। किधर दो इधर 400 पार? 400 पार ना 800 पार, बीजेपी जिंदाबाद। आजादी कैसे 800 होगा? उसने 800 पार। 800 कैसे? 800 तो है ही नहीं, तो 800 कहाँ से? 800 अबरी बेहतर, 800 अबरी हो, अबरी 800 बेहतर। काहे के यहाँ झारखंड में अथी ने अति 52 लाख तो अबरी 54 लाख डायरेक्ट ओकर दूदू को छुआ भेल हथिन, पता हो ना? तो 54 लाख सीट तो नहीं ना उतना बढ़े? सीट हुआ नहीं बोले का बहते वोटवा बढ़ते ने वोटो पड़ ले। हम सीट का बात करें, आप वोट का हम थोड़ी आपको पूछे हैं कितना सीट लाएगा। जो नारा लगा रहे हैं आप लोग कि 400 पार होगा, वो वाला हम पूछ रहे हैं। ये राजनीतिक है, सीट का बात नहीं, लेकिन बीजेपी जीतेगा बस, कंफर्म है। कंफर्म सरकार बीजेपी की बनेगी बाद में, जितना जिसका सीट लेना है वो लेगी।